नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आप आईएएस में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम इंडिया के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस थे हम उनको डिस्कस कर चुके हैं। अब बारी आती है इन्वायरमेंटल, जितने भी कन्वेंशन इंटरनेशनल लेवल पे हुए थे और जितने भी प्रोटोकॉल्स हुए थे उनके बारे में जानने की। तो दोस्तों, ये जो बेसिकली क्रैश कोर्स है इसका बेसिक एम यही है कि आप यूपीएससी 2020 या आने वाले जितने भी यूपीएससी या यूपीपीसीएस जितने भी प्रीलिम्स हैं उनको आप क्वालिफाई करें दोस्तों। तो दोस्तों, आइए आज की ये वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल कन्वेंशंस की। तो दोस्तों, पिछली बार हमने ये थॉट आपको दिखाया था कि सोचने से कहाँ मिलती है मंजिलें, तमन्नाओं के शहर में चलना भी ज़रूरी है मंजिल पाने के लिए। तो चलते रहिए, पिछली वीडियो को जाके देखिए, आपके वीडियो को देखिए। ये प्रीलिम्स के लिए हमने जो है हिंदू पीआईबी लाइवमेंट और इनकी जो ये सीरीज़ बनाई हुई है आप इसको जाके देखिए, आपको ज़रूर यूपीएससी आप क्वालिफाई करेंगे दोस्तों, और आप जो है ज़रूर आईएएस बनेंगे। तो इसी के साथ मेन आंसर राइटिंग भी आप जुड़ सकते हैं। तो आइए सीधे आपको लिए चलते हैं आज की जो वीडियो के मेन टॉपिक्स हैं, जो कि इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं। देखिए, इंटरनेशनल कन्वेंशंस जितने भी हैं वो आज की ये वीडियो का मेन वो रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की। तो ये जो है रियो अर्थ समिट की में जो है ये सेट जो इस्टेब्लिश किया गया था टू टैकल अवर प्लैनेट्स मोस्ट प्रेसिंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो ये जो है बेसिकली किन चीज़ों के लिए मैकेनिज्म की तरह काम करता है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी UNFCCC, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूशंस POPs, इसके अलावा UN कन्वेंशन टू कन्वेट डेजर्टिफिकेशन, इसके बाद मिनीमाटा कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी। तो दोस्तों, बेसिकली GEF के जो बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिए इसके साथ साथ। इसके अलावा ये दोस्तों सपोर्ट करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और जो इकोनॉमीज़ हैं इन ट्रांजिशन ये उनको भी हेल्प करता है। तो इसमें इसको एडमिनिस्टर करने वाली LDCF और SCCF जो हैं, जो कि COP और UNFCCC के द्वारा इस्टेब्लिश की गई हैं, वो जो है इनको इम्प्लीमेंट करती हैं। और नगोया प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेशन फंड जो है ये CBD में जो है इसके लिए बनाया गया था। तो इसके अलावा जो है ये होस्ट करता है अडेप्टेशन ऑफ द फंड बोर्ड सेक्रेटेरिएट। तो दोस्तों, ये सभी पॉइंट आपके UPSC प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो कृपया इनको बहुत गंभीरता से लेते हुए इसके नोट्स जरूर बना लें। तो अगला जो है इंपॉर्टेंट कन्वेंशन वो है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया। देखिए, तो अब इंडिया में जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है वो किसका पार्ट है, वो पार्ट है साइट्स कन्वेंशन का, कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, इसके बाद इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशन, इसके अलावा इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन का जो है इंडिया का जो वाइल्ड लाइफ कमीशन है कंजर्वेशन है वो पार्ट है। इसके अलावा देखिए यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो कि वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी के अंतर्गत जो है काम करती है। इसके अलावा देखिए ये रिस्पॉन्सिबल किस लिए है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जिसे कि वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी भी कहते हैं, तो ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है फॉर लिस्टिंग ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट और जो है जिसमें कि बहुत कल्चरल और नेचुरल साइट्स आती हैं। इसके अलावा देखिए वाइल्ड लाइफ विंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट चेंज जो है वो एसोसिएट की गई है टू फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वर्ल्ड एंड हेरिटेज साइट। इसके अलावा देखिए बॉर्न कन्वेंशन का जो है इंडिया सिग्नेटरी है जो कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज़ है। तो दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली हम इसको इस तरीके से देखेंगे कि यहाँ पे रहेगा क्या क्या एजेंडा है। और देखिए, तो एजेंडा 21 1982 में जो है इंडिया साइन करता है, तो ये किस लिए है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्शन प्लान एट UNCED। इसके अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं एजेंडा 21 ऑन कल्चर जो कि A21 1992 फॉर कल्चरल डेवलपमेंट है। इसके अलावा Rio+5 होता है जो कि इसकी 5 साल की प्रोग्रेस को जो है मॉनिटर करने के लिए जो है लाया जाता है। तो इसमें क्या पाया जाता है कि अनइवन प्रोग्रेस है पूरे UN, मतलब जो भी इसमें डेवलपमेंट हुआ रियो समिट जो अर्थ समिट था उसमें जो है अनइवन डेवलपमेंट है, और ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है इनइक्वालिटी जो है वो लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा देखिए Rio+10 जोहान्सबर्ग प्लान जो कि वर्ल्ड समिट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 में हुआ था, होता क्या था दोस्तों, रियो में जो समिट हुआ था अर्थ समिट उसके बाद हर 5 से लेके 10 साल में जो है एक एक समिट होता था, जैसे कि Rio+5 का मतलब है रियो के 5 साल बाद जो समिट हुआ टू मॉनिटर द रियो समिट्स इम्प्लीमेंटेशन, तो वो Rio+5 कह दिया। उसके बाद 10 हो गया तो Rio+10,
0+20 ऐसे जो है ये सीरीज जो है बढ़ती रही। तो जोहान्सबर्ग प्लान में क्या हुआ था, कमिटमेंट जो है फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ A21, इसके अलावा MDGs और अदर इंटरनेशनल अरेंजमेंट जो भी हैं उनको जो मानने की बात कही थी। वहीं जो Rio+20 जो है उसमें क्या थे, दो मेन थीम थी। पहली थीम ये थी कि इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके अलावा एक ग्रीन इकोनॉमी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो है बनाना। इसके अलावा जो है $513 बिलियन जो है वो प्लेच किया गया किसके लिए, फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अब देखिए इसके अलावा क्या आ जाती है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो दोस्तों ये जो है एक लीगली बाइंडिंग जो है कन्वेंशन है जो कि UNCED यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन एनवायरनमेंट जो है उसमें रियो समिट में जो है साइन की गई थी। तो ये बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन पे जो है काम करती है। इसके तीन बेसिक गोल हैं, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज़ ऑफ कंपोनेंट्स, इसके अलावा फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के इसमें तीन लेवल्स हैं, इकोसिस्टम, स्पीसीज और जेनेटिक रिसोर्सेज। तो इसमें जो है कार्टिजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोडाइवर्सिटी 2000 में जो है आती है। तो ये बायोसेफ्टी का मतलब क्या है दोस्तों, इसमें प्रोटेक्शन फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट ऑफ बायोटेक्निकल प्रोडक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। तो ये बेसिकली किन चीज़ों पे जो है काम करती है, कार्टिजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी इज रिलेटेड टू रेगुलेटिंग ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ LMO यानी कि लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अगर ये कॉन्सेप्ट आपने अभी नहीं पढ़ा है तो पिछली वीडियो में जाके देख लीजिए, उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई आइकन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके अलावा देखिए एडवांस्ड इन्फॉर्मेशन एग्रीमेंट जो कि डायरेक्ट इंट्रोडक्शन था LMO फूड फीड और प्रोसेसिंग मार्केट के लिए। यानी कि इसमें क्या था कि जो भी एडवांस्ड इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट था, मतलब कि आपको क्या करना है, अब LMO अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो LMO एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी जो है वो इंपोर्ट करने वाली जो कंट्री है उसको बताएगी पहले कि हम जो है इतने को LMO जो है आपको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर हाँ इसकी अप्रेजल मिलेगी तो ये LMO जो है इंपोर्ट होगा, नहीं तो इसके ऊपर बैन लग जाएगा दोस्तों। तो मुझे लगता है ये LMO का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो नगोया प्रोटोकॉल जो है 2008 में आता है, तो इसमें इसका जो तीसरा गोल है उसको फुलफ़िल करने की बात की जाती है जो कि ट्रेडिशनल नॉलेज को एसोसिएटेड और ट्रेडिशनल नॉलेज और एसोसिएटेड जेनेटिक रिसोर्सेज के ऊपर बेस है। तो इसमें जो बात बेसिकली की गई वो की गई बेनिफिट शेयरिंग के ऊपर। तो बेनिफिट शेयरिंग का मतलब ये है दोस्तों कि जितने भी इंसेंटिव हैं टू कंजर्व सस्टेनेबली द जेनेटिक रिसोर्सेज वो दिए जाएंगे। अब देखिए इसके अलावा क्या आता है, HE टारगेट आ जाता है। इसके अंदर जो है 20 टारगेट जो है बेसिकली डिफाइन किए जाते हैं और इसमें 5 गोल डिफाइन किए जाते हैं। तो जब HE टारगेट की बात होती है तो 5 गोल्स प्लस 20 टारगेट्स जो है इसमें डिफाइन होते हैं। तो दोस्तों गोल ए क्या है, एड्रेस अंडरलाइन कॉजेज ऑन, इसके कुछ मेन जो हैं 5 जो इसके गोल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और 20 टारगेट की मैं आपको PDF अलग से जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दे रहा हूँ। तो गोल ए क्या कहता है, एड्रेस अंडरलाइन कॉजेज ऑफ मेनस्ट्रीमिंग बायोडाइवर्सिटी अक्रॉस द गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। इसके अलावा गोल बी, रिड्यूस डायरेक्ट प्रेशर ऑन नेचुरल हैबिटेट एग्रीकल्चर एक्वाकल्चर एंड पॉल्यूशन। गोल सी कहता है टू इम्प्रूव बायोडाइवर्सिटी। इसके अलावा गोल डी कहता है बेनिफिट टू ऑल बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट सस्टेनेबल सर्विसेज। गोल ई कहता है एनहेंस इम्प्लीमेंटेशन बाय पार्टिसिपेटरी प्लानिंग नॉलेज मैनेजमेंट एंड कैप्टिविटी बिल्डिंग। तो दोस्तों आइए आगे जानते हैं कि रामसार कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस 1971 ये क्या है। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि ग्लोबल एनवायरनमेंट ट्रीटी ऑन वेटलैंड्स के अकॉर्डिंग जो है वो की गई। तो ये जो है एफिलेट UN की एफिलेट नहीं है, यूनेस्को जो है इसमें डिपॉजिटरी की तरह काम करता है और वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है 2 फरवरी को जो है मनाया जाता है। तो कंजर्वेशन ऑन सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वेटलैंड थ्रू लोकल रीजनल एंड नेशनल एक्शंस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन इसका जो है बेसिक एम है। और इसमें जो है वेटलैंड रिजर्व जो है बनाए जाते हैं, इसके तीन पिलर्स हैं दोस्तों, वाइज यूज़, दूसरा है डेजिग्नेट सस्टेनेबल वेटलैंड एंड इंश्योर इफेक्टिव मैनेजमेंट, तीसरा है कॉर्पोरेट इंटरनेशनली। तो बेसिकली ये बेसिकली डील करता है ट्रांस बाउंड्री साइट्स दैट डू नॉट हैव एनी स्पेशल स्टेटस, दे आर ओनली कॉपरेटिव मैनेजमेंट अथॉरिटीज़। और इसके अलावा देखिए चिलिका लेक अंडर मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड ड्यू टू प्रॉब्लम्स ऑफ सिचुएशन एंड सिल्टेशन एंड सेडिमेंटेशन विच इज़ चोकिंग एट द माउथ ऑफ द लेक इज़ इंक्लूडेड ऑन द रामसार कन्वेंशन। तो इसके अलावा देखिए इसमें जो है NGO कौन कौन सी एसोसिएट रहे हैं, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, IUCN, WWF, IWMI यानी कि इंटरनेशनल वेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, वेटलैंड इंटरनेशनल, इसके अलावा देखिए इंटरनेशनल वाइल्ड फाउल एंड वेटलैंड ट्रस्ट। तो ये दोस्तों ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप नोट करते रहिए साथ साथ में,
तो रामसार के वेटलैंड इंडिया में कौन कौन से हैं? वेमनाथ लार्जेस्ट है, स्मॉलेस्ट रेणुका है, उसके अलिएस्ट चिलिका है, लार्जेस्ट कौन सा है? नल सरोवर। इसके अलावा वर्ल्ड मैक्सिमम वेटलैंड कहाँ पे हैं? बोलीविया में है। तो दोस्तों ये सभी पॉइंट आपके प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? पूरा इसका ओवरऑल जो है कोऑर्डिनेशन फॉर द वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम। इसके अलावा देखिए लैंड रिसोर्सेज जो कि बिलोंग करते हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरी, तो वहाँ के जो वेटलैंड्स हैं उनकी स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट जो हैं रिस्पेक्टिवली यूनियन टेरिटरीज की वो रिस्पॉन्सिबल होंगी। अब देखिए दोस्तों इसके आगे देखते हैं। साइट्स कन्वेंशन आता है 1975 में, जो कि एक लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन है। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो इंश्योर करता है ट्रेड इन प्लांट्स और एनिमल्स में, और जो उनके सर्वाइवल को बिल्कुल भी थ्रेटन नहीं करता है। तो ये एडमिनिस्टर किया जाता है यूएनईपी के द्वारा। इसमें जो है तीन अपेंडिक्स हैं दोस्तों। अपेंडिक्स वन जो कि थ्रेटेंड और एक्सटिंक्शन के नियर हैं और इसमें ग्रेटेस्ट प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, जैसे कि गोरिल्ला, सी टर्टल, जाइंट पांडा एट्सेट्रा। तो वहीं जो अपेंडिक्स टू है तो मे बिकम जो कि अगर इन पे ज़्यादा जो है ट्रेड कंट्रोल नहीं किया गया तो वो नियरली थ्रेटन्ड हो जाएंगी। वहीं जो है अपेंडिक्स थ्री जो है वो कंट्री जो है इंटरनेशनल जितनी भी कंट्रीज हैं उनको जो है इस पे जो है ट्रेड कंट्रोल करने की जो है बात करते हैं, जैसे कि मैप टर्टल्स, वायरल्स, केप स्टैक बीटल्स, इनके ऊपर। तो अब ट्रैफिक क्या है 1976 में, ये देखिए ये एक जॉइंट प्रोग्राम है WWF का और IUCN का, जो कि लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग प्रोग्राम है, और ये जो है साइट्स के जो है क्लोजली जो है वर्क करता है। तो इसका विजन बेसिकली क्या है दोस्तों? ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल इज नॉट थ्रेटनिंग द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो देखिए ये बेसिकली इसका विजन ये कहता है कि जो ट्रेड है वाइल्ड लाइफ प्लांट और एनिमल में जो वो नेचर के कंजर्वेशन पे जो है बेसिकली इफेक्ट ना करे। तो वहीं CMS 1983 में जो है आती है, जो कि एक नॉन लीगली बाइंडिंग वो है, तो इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है ये UNEP की, जिसे बॉन कन्वेंशन कहा जाता है। COP जो है ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस में जो है इसको अडॉप्ट किया गया। तो इसमें जो है टू कंजर्व माइग्रेटरी टेरेस्ट्रियल मेराइन एंड एवियन स्पीसीज थ्रू आउट द रेंज। तो ये इसमें जो है दो अपेंडिक्स हैं दोस्तों। अपेंडिक्स वन जो है बेसिकली वो डील करती है एक्सटिंक्शन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, अपेंडिक्स टू है माइग्रेटरी स्पीसीज जो है रिक्वायरिंग इंटरनेशनल कॉरपोरेशन। तो इंडिया जो है जो रैप्टर MAU इसके अंदर है वो इंडिया ने साइन किया है। तो कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज 1983 जो है वो मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल तरीके से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों लगभग आखिरी की दो चीज़ें बची हुई हैं। CAWT 2005 यानी कि कोएलिशन अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग जो है वो आती है 2005 में। तो ये वॉलंट्री प्राइवेट कोएलिशन है जिसका विजन है कि ये इलीगल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ एंड वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट जो है एंड किया जाए, और कंप्लीमेंट करती है ये साइट्स को। IUCN जो है 1948 में आती है, इसमें बहुत स्टेट एंड NGO जो है मिलके काम करते हैं, और इसका जो है ऑब्जर्वर स्टेटस है UN में। और जो ये बेसिकली काम करती है बियॉन्ड इकोलॉजी कंजर्वेशन, ये जेंडर इक्वलिटी, पॉवर्टी एलिवेशन को भी इंक्लूड करती है। इसकी जो है रेड लिस्ट में जो है लीस्ट कंसर्न, नॉट थ्रेटन्ड, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये जितनी पांच चीज़ें हैं ये रेड लिस्ट के अंतर्गत आती हैं। और रेड लिस्ट का इकोसिस्टम जो है वो 2005 में जो है कंप्लीट हो गया था। तो दोस्तों इसके अलावा देखिए स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 में आ जाता है। तो ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है टू एलिमिनेट POP यानी कि जो परसिस्टेंट ऑपरेटिंग पॉल्यूटेंट्स हैं, जैसे कि कार्बन बेस्ड वाइडली डिस्ट्रीब्यूट, तो POPs जो हैं वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसके अलावा टॉक्सिक टू बोथ ह्यूमन एंड एनिमल के एक्यूमुलेट इन फैटी एसिड, कंसनट्रेट इन बायो एक्यूमुलेशन, ये जितने भी POPs हैं उनको जो है फेज़ आउट करने की बात यहाँ पे की गई थी। तो इसमें तीन कैटेगरीज आती हैं, इंडस्ट्रियल केमिकल, पेस्टिसाइड, बाय प्रोडक्ट्स, इन तीनों को जो है कैटेगरी वाइज जो है फेज़ आउट करने की बात कही थी। तो एंडोसुलम जो है रिसेंटली अप्रूव किया गया है, जो कि बैन लिस्ट है NX-A के अंतर्गत, NX-1 के अंतर्गत। तो DDT जो है अब मलेरिया कंट्रोल करने के लिए जो है बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। इसके अलावा डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो है इसके कंट्रोल में जो है अंडर इंटरनेशनल NX-1, NX-A और अनइंटेंशनल NX-C के अंतर्गत जो है एनवायरमेंट की फ्रेंडली डिस्क्लोजर के लिए जो है NX-B में जो है बात की गई है। तो ये सभी NX-R आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप
इसमें इंडिया के अंतर्गत जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट चेंज है वो फोकल पॉइंट है इसका, और इसकी जो नोडल एजेंसी है वो उसके अंतर्गत जो आ रही हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर आ रही हैं। और ये जो है इंडिया ने जो है खाली 12 POP जो डर्टी डर्जन्स हैं उन्हीं को जो है अभी तक जो है रेटिफाई किया है। इसके अलावा इंडिया ने अभी तक किसी भी चीज़ को जो है रेटिफाई नहीं किया है। वहीं जो है बेसल कन्वेंशन आ जाता है 1989 में, जो कि कंट्रोल करता है ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैज़र्डस वो वेस्ट एंड डिस्पोजल। तो ये इसका जो बेसिक एम होता है वो ये होता है टू रिड्यूस द मूवमेंट ऑफ हैज़र्डस वेस्ट बिटवीन द नेशंस, स्पेसिफिकली प्रिवेंटिंग द ट्रांसफर फ्रॉम डेवलप्ड एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। तो इसका जो सेकंड मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है टू मिनिमाइज द जनरेशन एंड इंश्योर द एनवायरनमेंट फ्रेंडली मैनेजमेंट नियर द सोर्स ऑफ जनरेशन एंड असिस्ट द लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज टू डू सो। तो इसके अलावा जो है ये एड्रेस जो नहीं करता है वो रेडियोएक्टिव वेस्ट को जो है नहीं करता है। तो दोस्तों ये पॉइंट आप इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, आप इसको नोट कर लीजिए। डेफिनेशन क्या है, जो वेस्ट एज पर एनेक्जर वन है तो वो एटलीस्ट वन हैज़र्डस कैरेक्टरिस्टिक, और इस एज पर जो एनेक्जर टू के अकॉर्डिंग है। इसमें एक ना एक देखिए इसमें बेसिकली डिफाइन कैसे करता है जो कि एनेक्जर वन के अंदर वेस्ट हो, और दूसरा जिसमें एटलीस्ट हैज़र्डस कैरेक्टरिस्टिक हो एक भी तो वो एनेक्जर टू के अंतर्गत। वहीं जो है हैज़र्डस बाय द एक्सपोर्टर हो और इंपोर्टर के द्वारा जो है ट्रांजिट कंट्री में इसमें बैन लगाया गया हो। अब रॉटरडन कन्वेंशन आता है 1998 में, जो कि एक लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन है जो PIC प्रोसीजर सेट करता है फॉर सर्टेन हैज़र्डस केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो इसमें जो है प्रमोट शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू द इम्पोर्टेशन ऑफ हैज़र्डस केमिकल। इसके अलावा जो है सेम नोडल और फोकल पॉइंट पे जो है स्टॉकहोम की तरह जो है एक लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन जो है सेटअप की जाती है। UNCCD 1994 में जो है एक लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन जो है साइन की जाती है, जो कि अपने आप में फर्स्ट लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन थी, जो कि बॉटम अप अप्रोच जो है लोकल पॉपुलेशन के लिए जो है लागू करती है। तो इसमें जो है ड्राईलैंड में जो है एरिड सेमी एरिड और ह्यूमिड रीजन्स में जो है वो बेसिकली डील करती है। तो 2010 से लेके 2020 तक UN डिकेड्स ऑन डेजर्ट जो है ये मनाया गया था। इसके अलावा जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट चेंज जो है इसकी नोडल मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर UNCCD के लिए, और डेजर्टिफिकेशन सेल जो है नोडल मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो है कोऑर्डिनेट करने के लिए इस कन्वेंशन के लिए जो है बनाई गई है। वहीं जो है विनियना कन्वेंशन 1985 में आ जाता है, जो कि ओजोन लेयर कंजर्वेशन से रिलेटेड है, और जो है पूरे विश्व में इसको बहुत ही वाइडली जो है रेटिफाई किया गया है। और इसके अलावा जो है कोई भी लीगली बाइंडिंग रिडक्शन गोल इसमें नहीं दिए गए थे। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आता है जो लीगली बाइंडिंग है फॉर सब्सटेंस दैट डिप्लीट ओजोन लेयर। इसके अलावा जो है इसमें CFC HFCs को भी इंक्लूड किया गया था, बट HFCs जो हैं दे आर नॉन ओजन डिप्लीटिंग बट पोटेंट ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। देखिए अब इसमें देखिए जो HFCs हैं, देखिए इसमें क्या करता है इंक्लूड करता है CFC और HFC, बट इसमें क्या है HFCs जो हैं ओजोन लेयर के को लेकर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल थी, बट जो है HFCs क्या हैं, क्योंकि HFCs जो हैं O3 के लिए डिप्लीटिंग नहीं है मगर ये पोटेंट जो है ग्रीन हाउस गैस है, इसलिए इसको भी रिमूव करने की बात की गई थी। तो हेलेंस जो है यूज़ किए गए थे इसमें, बेसिकली हेलेंस यूज्ड इन द डिफेंस सेक्टर जो है वो एग्जेम्प्ट किए गए थे। इसके अलावा जो कि इंडिया के जो प्रोड्यूस थे CFC और HFCs हेलोन्स ब्रोमिनेटेड फ्लोरोकार्बन CCl4 CH3 CCl3 CH3Br, तो इन सबको आप नोट कर लीजिए। तो इसमें जो था ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जितने भी थे रेफ्रिजरेशन AC फायर फाइटिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एरोसोल्स इन सभी को बैन करने की बात कही थी। तो इसी के आगे हेलसिंकी कन्वेंशन आता है 1989 में टू रिवाइज द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और इसमें जो है टोटल बैन लगता है 2000 केमिकल्स में जो कि डिप्लीट करते हैं ओजोन को। तो किगाली एग्रीमेंट जो है 28th COP में साइन किया जाता है। तो इसमें क्या होता है रिड्यूस यूसेज ऑफ HFCs, ये लीगली बाइंडिंग 2019 से जो है हो जाएगी ये कहा जाता है। 85% तक का बेसलाइन सेट किया जाता है रिडक्शन के लिए बाय 2045, और ग्रुप वन में जो आती हैं इसमें तीन ग्रुप में जो है कंट्रीज़ को डिवाइड कर दिया जाता है। ग्रुप वन में आती हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ जो कि स्टार्ट करेंगी इसको 2019 से 2036 तक, वहीं ग्रुप टू को इसको फेज आउट करना होगा लाइक डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया चाइना अफ्रीकन कंट्रीज़ जितनी भी हैं 2022 से 2029, फिर दूसरा फेज जो होगा इसका 2025 तक होगा।
वहीं ग्रुप थ्री में डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान, ईरान एटसेट्रा, जो 2028 से लेकर 2032 तक जो है इसको फेज आउट करेंगी। वहीं 2032 से लेकर 2045 तक जो है इसका सेकंड फेज चलेगा। तो इंडिया जो है इसने कम्प्लीटली फेज आउट कर दिया है एज पर द ऑब्जर्वेशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस आर डिक्लाइनिंग इन द रिसेंट ईयर्स। तो ये आपको नोट करने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। तो वहीं मिनीमाटा कन्वेंशन जो है एक लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन जो था वो सितंबर 2017 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है फर्स्ट COP में जो है साइन किया जाता है। तो ये ग्लोबली लीगली बाइंडिंग ट्रीटी थी। तो इंडिया में जो है इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट और फॉरेस्ट चेंज को जो है नोडल मिनिस्ट्री बनाया गया। तो मिनीमाटा कन्वेंशन अगर एक बार फोर्स में आ गई तो इसके लिए नेशन को क्या क्या करना होगा, टू रिड्यूस एंड एलिमिनेट द यूज़ ऑफ रिलीज ऑफ मर्क्यूरी। इसके अलावा देखिए कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल मर्क्यूरी एयर एमिशन, फेज आउट एंड रिड्यूस मर्क्यूरी यूज इन सर्टेन प्रोडक्ट्स सच एज बैटरी, स्विचेस, लाइट्स, कॉस्मेटिक्स, पेस्टिसाइड्स एंड मेजरिंग द डिवाइसेस एंड क्रिएट इनिशिएटिव टू रिड्यूस यूज़ ऑफ मर्करी एंड डेंटल एमलगम। इसके अलावा जो है ये एड्रेस करती है सप्लाई एंड ट्रेड ऑफ मर्क्यूरी, सेफर शॉर्टेज एंड डिस्पोजल एंड स्ट्रेटेजीज टू एड्रेस द कंटेन्ड साइड। इसके अलावा जो है प्रोविजन फॉर टेक्निकल असिस्टेंट, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, पब्लिक अवेयरनेस और रिसर्च मॉनिटरिंग। इसके अलावा पीरियोडिकली इवेल्युएट करती है टू असेस इफेक्टिवनेस एट मीटिंग इट्स ऑब्जेक्टिव ह्यूमन हेल्थ, एनवायरनमेंट एंड मर्क्यूरी पोल्यूशन। इसके अलावा ग्लोबल टाइगर फोरम जो है वो बनाई जाती है जो कि एक ओनली इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है फॉर टाइगर कंजर्वेशन जो कि दिल्ली डिक्लेरेशन के अंतर्गत जो है साइन की जाती है। तो इसमें जो है बेसिकली 5 मेंबर कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि कैटेगरी 1 में आती है टाइगर रेंज कंट्रीज, कैटेगरी बी में आती है नॉन टाइगर रेंज कंट्रीज, तीसरी आती है इंटरनेशनल एनजीओज और गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, चौथी आती है ऑनररी इंडिविजुअल मेंबर्स, इसके अलावा नेशनल एनजीओज। तो ये बेसिकली प्रमोट करता है और कैरी करता है साइंटिफिक रिसर्च टू जनरेट इंफॉर्मेशन यूजफुल इन द टाइगर इट्स प्रे इट्स हैबिटेट एंड डिसेमिनेट सच इन्फॉर्मेशन इन इजीली एक्सेसिबल मैनर। तो ग्लोबल टाइगर फोरम जो है बेसिकली टाइगर कंजर्वेशन में उसके हैबिटेट, उसके जो है फॉडर मतलब जो खाता है फूड उसके, और उसके अलावा जो टाइगर के खुद के प्रिजर्वेशन है, इसके लिए बेसिकली एक होलिस्टिक वे में जो है प्रिपेयर करता है। तो दोस्तों ये हमारी लास्ट की जो दो कन्वेंशन है वो बायोफिन है जो कि ग्लोबल पार्टनरशिप इन एड्रेसिंग बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस चैलेंज इन कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। तो ये बेसिकली डील करती है टू आइडेंटिफाई एसेस एंड गिव सॉल्यूशन टू द ब्रिज देहर नेशनल बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस गैप। तो ये मैनेज की जाती है UNDP इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोग्राम इन पार्टनरशिप विद यूरोपियन यूनियन एंड द गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी एंड स्विट्जरलैंड। तो इंडिया में जो है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है वो इसकी इंप्लीमेंटेशन एजेंसी है। इसके अलावा ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम जो है वो एक इनिशिएटिव जो है लॉन्च किया गया 13 टाइगर रेंज कंट्रीज़ के द्वारा 1+2+4+6 यानी कि जिसमें इंडिया, भूटान, नेपाल, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड, फिर इंडोनेशिया या फिर उसके बाद चाइना और रशिया भी इसमें ज्वाइन हो गए। तो ये रिजर्व जो है रैपिड डिक्लाइन ऑफ टाइगर एंड स्ट्राइव डबल नंबर ऑफ वाइल्ड टाइगर बाय 2022 ये जो है एम करता है। तो दोस्तों हमने जितने भी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन थे वो इस वीडियो में जो है कवर कर लिए। इसके अलावा जो है हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं इंडिया के अंदर जितने नेशनल लेजिस्लेशंस थे। तो अगर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं या फिर आप हमारे मेन आंसर राइटिंग इनिशिएटिव से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क करके आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप सभी का धन्यवाद, 1000+ सब्सक्राइबर आपने किए थे, हाल ही में हम 2000+ होने वाले हैं। तो आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं इनसे रिलेटेड तो दिए गए स्क्रीन पर जो है आपको हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सभी जगह के लिंक आपको मिलने हैं, आप कहीं पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। वी आर हैप्पी टू हेल्प यू। और एक बात जाते जाते बोलना चाहूँगा दोस्तों, अ कैंडल लूजेस नथिंग बाय लाइटनिंग अनदर कैंडल। तो वो बात आप याद रखिए, कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनको जो है नॉलेज मिल सके। जाते जाते आपको APJ अब्दुल कलाम जी के एक बेसिक बेस्ट थॉट्स के साथ एक छोड़ के जाते हैं, दिस इज़ माई बिलीव दैट दो डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स गॉड गिव्स अस अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, सो व्हेन यू होप व्हेन यूर होप्स and dreams and goals are dashed, search among the wreckage, you may find a golden opportunity hidden in the ruins. तो दोस्तों ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपकी जो है कोई भी अगर आपका गोल जो है वो पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि उन्हीं गोल्स के बीच में जो है कहीं ना कहीं भगवान ने आपको अपॉर्चुनिटी दी होगी। और तो आपके अगर पिछली बार PT क्लियर नहीं हुआ था तो बिल्कुल भी जो है परेशान मत होइए, क्योंकि इस बार आप IAS आपके साथ हैं
तो आपको बेसिकली पूरी गाइडेंस दी जाएगी। तो आपको उसी गिरी हुई मीनार के नीचे जो है आपको ये आप आई ए एस का जो है लिंक कहीं से मिल गया होगा। तो इस बार आप पीटी क्वालिफाई करके मेंस क्वालिफाई करके आप आई ए एस जरूर बनने वाले हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।